हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस वन फिजिक्स के जो अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है, आज उसका थर्ड पार्ट आपके सामने है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अगर मेजर करना चाहते हैं, उसके लेंथ, मास और टाइम के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए जो चीज़ सबसे पहले हमारे सामने आती है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है, देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर आपको 10 पावर निकालने, मतलब 10 रेज टू पावर कितनी है, वो चीज़ें आपको निकालनी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ के लिए मैंने एग्जांपल लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 6, ये इसकी वैल्यू होती है। एनी नंबर दैट इज 5 और ग्रेटर देन 5 इज रिटन एज 10 रेज टू पावर 1। ध्यान रखें, एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, देन इट इज रिटन एज 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6, सो द ओवरऑल रिजल्ट इज 10 रेज टू पावर 7। सो इफ वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन वी हैव टू सी द पावर ऑफ 10, दैट इज 7, सो इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। तो एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, इसमें 4.99 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट दिस नंबर इज लेस देन 5, सो दिस इज रिटन एज 10 रेज टू पावर 0, एंड 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इसका अगर हम समेशन निकालें पावर का 10 स्क्वेयर, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी 10 की पावर है, जो कि 2 है। यहाँ पर आगे चलते हैं दूसरे वाले में, 9.99 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2, और देखिए यहाँ पर आपका जो नंबर है 9.99 दैट इज ग्रेटर देन 5, सो दिस इज रिटन एज 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, एंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज दैट इज द पावर ऑफ 10, दैट इज 3। इस तरह से आप और एग्जाम्पल जो भी करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो लेंथ है उसका वेरिएशन किस तरह से होता है, उसको मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम अब अच्छे से पढ़ेंगे। एक टर्म है इसकी माइक्रोस्कोप, इसका यूज किसके लिए करते हैं, जब आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का साइज निकालना पड़े वो आपकी माइक्रोस्कोप कहलाएगी। हाँ, माइक्रोस्कोप कहलाती है वो, MIC फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एंड मैक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, व्हेन वी हैव टू डील अबाउट द लेंथ ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज द प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, इनके बारे में अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े या कोई और आपके पास कोई बड़ी डिस्टेंस है तो वो सारी मैक्रोस्कोप में ऐड होंगी, और मैक्रोस्कोप में और माइक्रोस्कोप के अंदर आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इस तरह की चीजें आपकी माइक्रोस्कोप के अंदर आएंगी। आपकी जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है उसके आपके पास कुछ डायरेक्ट मेथड भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें लेंथ को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जैसे कि हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल के अंदर आप 1 मिलीमीटर मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर से लेकर 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर से लेकर 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब एक जो स्केल होता है 1 मीटर का, वो आपको पता है 100 सेंटीमीटर का होता है, तो आप 1 मिलीमीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक आप इसको काउंट इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर क्लिपर, उससे आप 10 रेज टू पावर माइनस 4 तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है स्क्रू गेज, जिससे आप 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर तक की डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। मतलब ये आपके पास डायरेक्ट मेथड में काउंट होंगे क्योंकि इनके लिए आपके पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट हैं। दूसरी जो टर्म इसके अंदर आती है इनडायरेक्ट मेथड के लिए, उसको हम करके देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके पास मेजरमेंट करने के लिए कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसकी आप हेल्प कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर पता होता है हमें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, लेकिन उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या आपके पास इतना बड़ा कोई स्केल है, प्रैक्टिकली नहीं है हमारे पास,
तो इस तरह की जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड में जो चीज हमारे सामने आती है उसका नाम है पैरेलेक्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगाएं कि पैरेलेक्स मेथड का मतलब क्या होता है। पैरेलेक्स मेथड इज ए मेथड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय इनडायरेक्ट मेथड। दूसरी चीज, पैरेलेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर आपकी दीवार है, इस दीवार के पास आप पॉइंट ओ के ऊपर आपका पेन रखा हुआ है। आप एक काम करें, यहां पर मैंने जो L और R लिख रखा है, L का मतलब है लेफ्ट आई, R का मतलब है राइट आई, मतलब एक बार में आपको एक आंख से देखना है। अगर मान के चले आप राइट आई से पेन को देखना चाहें तो आप लेफ्ट वाली साइड को बंद कर लें, और अगर आप लेफ्ट वाली साइड से देखना चाहें, मतलब लेफ्ट आई से देखना चाहें, तो राइट आई को बंद कर लेंगे। ऐसा करने से पॉइंट ओ के ऊपर जो आपका पेन रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है, और उस चेंजमेंट को, उस इफेक्ट को ही पैरेलेक्स कहा जाता है। ओके? जैसे कि मान के चलिए पॉइंट ओ से लेकर एल और आर, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहां तक की डिस्टेंस आपके बराबर होगी। इस डिस्टेंस का नाम हम एक्स के नाम से लिख लेते हैं। यहां पर जो हमारा एंगल बनता है, इस एंगल का नाम लिख लेंगे थीटा। लेट एल आर दैट इज रिटन एज बी इज द आर्क। अगर आपको इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? एंगल की वैल्यू क्या होती है? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंगल के सामने वाले जो साइड है ये आपकी आर्क कहलाएगी। बी थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय रेडियस, जो ये वाली रेडियस, दोनों बराबर है, दोनों में से किसी एक को लिख दिया एक्स। तो x की वैल्यू निकालनी पड़े तो x इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई थीटा। देखिए, इस मेजरमेंट में आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जो आपके पास प्रैक्टिकली मौजूद है, किसी स्केल का यूज नहीं किया, ना मीटर स्केल का यूज किया है, ना वर्नियर क्लिपर का यूज किया है, ना स्क्रू गेज का यूज किया है, ना स्पैरोमीटर का यूज किया है। तो ये जो मेथड जो हमारे पास होते हैं, इन मेथड्स को इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं उनको मेजर करने के लिए पैरेलेक्स मेथड की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक बार हम उसका यूज करते हैं। देखिए उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या आता है। लेट एस इज द सन एंड दिस इज द पाथ ऑफ द अर्थ दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम यू आर एट द पॉइंट ए ऑन द अर्थ एंड यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द स्टार दैट इज सिचुएटेड एट द पॉइंट एन। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता लगानी है। 6 महीने के बाद क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है बिल्कुल आपके सामने चली जाएगी, मतलब आप चले गए पॉइंट बी के ऊपर। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब एक तरह से जो ऊपर वाला मैटर था आपका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट आई और राइट आई वाला, वो आपको अर्थ पोजिशन चेंज होने के साथ में काम करना है। यहां पर क्या करते हैं, जब आप पॉइंट ए के ऊपर थे तो अपना एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक और कोई स्टार आप यहां पर मान सकते हैं, और पॉइंट बी से भी आप इसको मान सकते हैं। यहां पर एफ ए एन जो एंगल बना हुआ है, मान के चले ये आपका थीटा वन है, एंड एफ बी एन मान के चले ये आपका एंगल थीटा टू है। देखिए ये एक लाइन है, यहां पर एक लाइन ये यहां पर आपने ड्रॉ कर रखी है, आपस में पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा वन है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा वन ही होगा, अल्टरनेटिंग एंगल। वैसे ही अगर ये वाला एंगल आपका थीटा टू है तो ये वाला एंगल भी थीटा टू होगा, अल्टरनेटिंग एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल यहां पर बन जाता है, इस कंप्लीट एंगल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का समेशन, थीटा वन प्लस थीटा टू। और इस कंप्लीट एंगल के सामने जो आर्क है वो है आपकी ये डिस्टेंस ए बी। इस एंगल के बिल्कुल सामने कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो है आपकी ये ए बी। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और एस से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। शायद आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन पता होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपके अर्थ एक बार यहां है, सन यहां पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहां पर लिख रखा मैंने एंगल एफ ए एन एंड एंगल ए एन एस इज इक्वल टू थीटा वन। एफ ए एन एंड ए एन एस, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर थीटा वन। एफ बी एन, एफ बी एन थीटा टू, बी
एन एस थीटा टू, ए एन बी, ए एन बी थीटा वन प्लस थीटा टू, एंगल की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो आर्क क्या है आपकी, सॉरी आर्क है आपकी ए बी, ए बी और रेडियस क्या है वो ए एन बी हो सकती है और वो बी एन बी हो सकती है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए एन और बी एन, आपको तो ए एन या फिर बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, आपका एंगल यहां पर नीचे आ जाता है, तो आपकी वैल्यू निकल जाती है बी एन और ए एन इज इक्वल टू टू ए यू डिवाइड बाई थीटा वन प्लस थीटा टू। यहां पर आपका एक स्पेशल केस भी आ जाता है, इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू देन ए एन और बी एन इज इक्वल टू टू ए यू डिवाइड बाई टू थीटा। जब थीटा वन की वैल्यू थीटा टू की वैल्यू के बराबर है तो क्यों ना दोनों को थीटा के बराबर लिख लें, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, ये वाली वैल्यू आपकी कट जाती है और आपका आंसर रह जाता है ये। मतलब आपने एक बार फिर से इनडायरेक्ट मेथड से अपनी लेंथ को मेजर करने की कोशिश की और हमें अच्छा रिजल्ट उसका मिल गया। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड में ही साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। देखिए इसमें हम करते क्या है, वन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का ऑयलिक एसिड ड्रॉप ले लेते हैं और इसको 25 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं। मतलब ये आपका जो हिस्सा बना ये बना 1/25 के हिसाब से, मतलब 1/25। जो भी आपका सॉल्यूशन बना है, ये वाला जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर से आप एक ड्रॉप लें और उसको अगेन 20 cc अल्कोहल के साथ मिक्स कर दें। बात को ध्यान से सुने, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, वरना समझ से बाहर चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड एंड मिक्स विद अल्कोहल ऑफ 25 cc। आपकी जो कंसंट्रेशन है 25 cc अल्कोहल के अंदर आपके ऑयलिक एसिड की, वो आपकी कंसंट्रेशन है 1/25। अब इस 1/25 के अंदर से आपको एक ड्रॉप लेनी है और उसको अगेन 20 cc अल्कोहल के साथ मिक्स कर देना है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑयलिक एसिड की अल्कोहल में क्या हो जाएगी, 1/500। किस तरीके से, 1/25 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 इज इक्वल टू 1/500। मतलब आपकी इस अल्कोहल के अंदर जो कंसंट्रेशन बनी है वो कंसंट्रेशन आपकी ये वाली बनी है। चाहे आप ये मान सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर आपको एक ड्रॉप डाल लिया अगर आपने, तो ये आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है। हमने क्या किया इसके बाद में, वाटर सरफेस, एक किसी भी बीकर में किसी कंटेनर के अंदर पानी लिया और हर एक वॉल्यूम इस सॉल्यूशन की, कौन सा सॉल्यूशन, वन जिसकी जिसके अंदर ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/500 है, इसकी एक ड्रॉप की वॉल्यूम हमने मानी V और इसकी n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो हमने वाटर वॉल्यूम वाटर सरफेस के ऊपर डाल दी, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, n V। वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन कितनी, भाई ये तो एक ही कंसंट्रेशन है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए वॉल्यूम निकाल रखी है, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, एन वी डिवाइड बाई 500। इसको आप इक्वेशन नंबर एक मान दें। देखिए जब आप एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड ईच ऑफ वॉल्यूम वी वाटर सरफेस के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि वो आपका सॉल्यूशन वाटर सरफेस के ऊपर फैल जाता है और अपनी एक लेयर बना लेता है। हालांकि वॉल्यूम तो ये भी वही है और वॉल्यूम ये भी वही है, लेकिन इस वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ग्राफिकल मेथड से निकाल लेंगे। और ग्राफिकल मेथड से कैसे, इस लेयर का पहले हमने निकाला एरिया दैट इज ए, और निकालने के बाद थर्ड डिस्टेंस जो कि थिकनेस यहां पर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम एरिया को किसी थर्ड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू ही मिलती है, तो ये आपके पास एक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास एक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है, दोनों ही वॉल्यूम आपकी ऑयलिक एसिड की हैं, दोनों को हम बराबर पुट कर देते हैं और बराबर पुट करने के बाद में थिकनेस की जो वैल्यू है उस थिकनेस की वैल्यू को हम यहां निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन वी डिवाइड बाई 500 इंटू ए। तो मतलब ये भी आपका एक तरीका ऐसा है कि जिससे आप
मतलब इनडायरेक्ट मेथड से आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम, ये तो लेंथ का मैटर था, आगे हम मास के बारे में बात करते हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, रेंज कहां से कहां तक जाती है? 10^-31 kg to 10^-55 kg। 10^-31 kg किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि सबसे कम माना गया है। और यूनिवर्स का, जो पूरे ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स है, उसका मास कितना होता है? 10^-55। बीच में आप जिस भी चीज का निकालना चाहें, कोई और टर्म आपके सामने मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ ए स्टोन, मास ऑफ ए ब्रिक, मास ऑफ ए साइकिल, कुछ भी अगर आप निकालना चाहें, डस्ट पार्टिकल, रेनड्रॉप, ग्रैब, फ्रॉग, हुमैन, कार, एलिफेंट, सिप, अर्थ, सन, मिल्की वे, जो भी आप निकालना चाहें, वो सारे के सारे इस रेंज के बीच में आ जाती हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम में आप क्या पढ़ेंगे, क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो रेंज है वो सबसे कम कितने सेकेंड होता है? 10^-24। और ये किसका टाइम है? लाइफ स्पैन ऑफ ए मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल जो इस यूनिवर्स का मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है, वो अपने आप को इस टाइम के अंदर डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। और आपके जो टाइम की जो लिमिट है वो कहां तक जाती है? 10^17 सेकेंड तक, जो आपकी यूनिवर्स की एज मानी गई है, यहां तक आपका इसका वेरिएशन हो सकता है। जो आपकी टाइम है, उस टाइम को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर है, सोलर क्लॉक्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग है, ये वो प्रोसेस हैं। या इसके अलावा आपका सिंपल पेंडुलम, इन तरीकों के जरिए आप अपने टाइम को आसानी से मेजर कर सकते हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास के अंदर हमें जो मेजर करने के तरीके हैं, मास को मेजर करने के तरीके, वो आपका ग्रेविटेशनल मेथड भी हो सकता है, वो आपका स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड भी हो सकता है। जो स्मॉल मासेज हैं वो सारे के सारे स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से आप मेजर कर सकते हैं, जो लार्ज मासेज हैं आप उनको ग्रेविटेशनल मेथड से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें थोड़ी सी रह जाती हैं, वो खाली वही हैं जो आपको पहले कभी ना कभी पढ़ने को मिलेंगी। जैसे मिलीमीटर किसको बोलते हैं? 10^2 लेंथ की बात करते हैं, दोबारा से लेंथ वाले में लिख लेते हैं इसको, 10^-3 meter मिलीमीटर कहलाता है, 10^-6 meter माइक्रोमीटर कहलाता है, 10^3 meter किलोमीटर कहलाता है, एंड 1.6 kilometer इज नोन एज ए मील, 1.8 इज नोन एज ए नॉटिकल मील। तो ये आपकी डिस्टेंस की जो वेरिएशन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज का यूज होता है, जिस हिसाब का हमें मेजरमेंट करना हो उसी हिसाब का हमें काम भी करना होता है। तो आपकी जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम का जो चैप्टर है, उसके अंदर सिर्फ इतना सा ही था। उसकी जो एक्सरसाइज है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप अपने स्कूल की ऐप के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, आपके कंसेप्ट को बाद में अगली वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।